हेलो एवरीवन, आज हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनके थ्रू एक एटम का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अब तक अप्रॉक्स 20 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। उनमें से तीन पार्टिकल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो तीन पार्टिकल कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा प्रोटॉन्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा है न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी बाय एनोट्रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी कैथोट्रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। अगर हम मास की बात करें तो यहाँ पे मास होता है 1.673 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम और न्यूट्रॉन पे मास होता है 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो अगर हम तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो इनमें से न्यूट्रॉन सबसे हैवियर होता है और सबसे लाइटेस्ट कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन्हीं को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं और ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल तो होती हैं, इन्हीं को हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं। फिर यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इलेक्ट्रॉन पे ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू हमको मिल्कंस वाइल्ड्रॉप थ्योरी के थ्रू पता चली। तो मिल्कंस वाइल्ड्रॉप थ्योरी के थ्रू हमको क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए।